मध्य प्रदेश रीवा में अधिवक्ताओं की पेंशन की मांग हुई मंजूर। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। राजकुमार सिंह तिवारी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि परिषद के द्वारा मांगी गई पेंशन की मांग को सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है। अब अधिवक्ता भविष्य की चिंता किए बिना पूरे मनोयोग से न्यायधान में सहयोग करेंगे। ये प्रदेश के 110,000 अधिवक्ताओं के लिए अपार हर्ष की बात है। अब हम अधिवक्ता भविष्य की चिंता किए बिना अपने स्वास्थ्य की, अपने अर्थ की, अपने व्यवसाय की, अपने परिवार की चिंता किए बिना सुरक्षा भावना से लबरलेच होकर, चिंता मुक्त होकर न्यायदान में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, क्योंकि न्याय माननीय न्यायपालिका और माननीय कार्यपालिका ने अधिवक्ताओं की बड़ी भारी मांग मंजूर कर ली है। अब हमारी मांग थी कि 60 वर्ष होते ही अधिवक्ताओं को पेंशन प्रदान किया जाए और सुरक्षा निधि प्रदान की जाए, जिसको कि हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया था माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, तो 1.5-2 महीने के अंदर ही इस संवेदनशील शानदार सरकार ने अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझा, दर्द को समझा और उनकी मांग को मंजूर कर लिया। माननीय विधि एवं विधायी कार्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशन में उन्होंने मसौदा तैयार कर लिया है और भेज दिया है कैबिनेट की मंजूरी के लिए, और ये कहा है कि अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ ही पेंशन भी प्रदान किया जाएगा 60 वर्ष की आय होते ही। तो इस तरह से होगा ये कि अभी तक जो हम लोग, और खासकर अभी असुरक्षा की भावना जो रहती थी वो हम लोगों के अंदर से दूर होगी, और जो नए लड़के हैं, जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, तो वो इस प्रोफेशन को काफ़ी सुरक्षित में पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लड़के आएंगे न्यायपालिका में और न्यायदान में अपना भरपूर सहयोग देंगे। इसके लिए ये है कि अब हम